तो क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो ये बताया हुआ था कि हमारे पास ऑलरेडी 10,000 यूनिट्स हैं 10 रुपीज के हिसाब से, ये फर्स्ट लाइन में बताया है। तो आपको बैलेंस में लिख देना है कि बैलेंस क्या पड़ा है। तो देखो डेट में लिखोगे आप अक्टूबर 1, और ये हमारा पुराना बैलेंस है। तो बैलेंस में हम लिखेंगे 10,000 यूनिट्स 10 रुपीज के हिसाब से, टोटल हो गया 10,000 × 10, तो 1 लाख रुपीज का हमारे पास मटेरियल का बैलेंस है। ये सबसे पहले अगर दिया है तो लिख देना है विथ डेट, ये बैलेंस है। अब आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि आपने 7 अक्टूबर को मटेरियल खरीदा हुआ है, 7 अक्टूबर को 4,000 ब्रशेस परचेस किए 12.50 से। तो अब हमारे पास दो मटेरियल हो गए, एक तो 10,000 यूनिट हो गए 10 के हिसाब से, और 4,000 यूनिट हो गए 12.50 के हिसाब से। तो अब आप दूसरी डेट बताओगे उसमें 7 अक्टूबर। अभी हमने खरीदा है तो रिसिप्ट में बताना पड़ेगा, इन द रिसिप्ट वी विल राइट 4,000 ब्रशेस 12.50 के हिसाब से परचेस किया। तो 4,000 × 12.50 अगर आप करते हो तो वो आता है 50,000। तो ये आपने दूसरा मटेरियल रिसिप्ट किया, तो अब आपका टोटल बैलेंस क्या हो जाएगा? 7 अक्टूबर को 10,000 यूनिट्स पहले वाला था और ये 4,000 यूनिट्स 12.50 के हिसाब से। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास बैलेंस दो तरह के मटेरियल का है। इन द स्टोर डिपार्टमेंट वी हैव मटेरियल ऑफ टू डिफरेंट प्राइजेस, 10,000 यूनिट्स आर ऑफ 10 रुपीज एंड 4,000 यूनिट्स ऑफ 12.50। तो टोटल 1,50,000 का मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है। अब आगे आगे क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि 14 अक्टूबर को आपने 6,000 ब्रशेस परचेस किए 15 रुपीज के हिसाब से। डेट वाइज आपको जाना है, सीक्वेंस में जाना है। अगर इन बिटवीन कोई इश्यू किया है, सप्लाई किया है, तो वो इश्यू में लिखेंगे, रिसिप्ट किया है तो रिसिप्ट में लिखना है। तो यू कैन सी ऑन 14 अक्टूबर वी हैव परचेस 6,000 ब्रशेस। सो अगेन वी विल राइट इन द रिसिप्ट 14 अक्टूबर बताएंगे 6,000 यूनिट्स एट 15 रुपीज ईच। सो 90,000 का नया मटेरियल खरीदा। तो अब हमारे पास ये 6,000 वाला एक नया मटेरियल आपके पास आ चुका है। तो इसको भी आप यहाँ पे बैलेंस में बता सकते हो। जब आप यहाँ पे बैलेंस बताओ तो अब आपके पास तीन तरह का मटेरियल हो जाएगा। एक तो हमारे पास 10,000 यूनिट वाला था, दूसरा 4,000 यूनिट, और अभी हमने जो खरीदा 6,000, वो सारी चीजें यहाँ पे आप बता सकते हो। अब मेन पॉइंट अब आ रहा है, 14th के बाद डेट कौन सा आएगा? 16th अक्टूबर। देखो 16th अक्टूबर को क्या हुआ है, ऑन द 16th अक्टूबर वी हैव सप्लाइड, वी हैव इश्यूड 16,000 ब्रशेस। तो अब 16,000 ब्रशेस हम सप्लाई करने जा रहे हैं तो फीफो मेथड से करना है। तो याद कर लेते हैं, फीफो मेथड में जो फर्स्ट मटेरियल है वो पहले सप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास फर्स्ट कौन सा मटेरियल था, ये 10,000 यूनिट, तो 16,000 देना है, उसमें से 10,000 ये वाला दे देंगे। अभी 6,000 बचा, 6,000 कहाँ से देंगे? तो ये बाकी जो नया 4,000 खरीदा वो भी मटेरियल देंगे। तो टोटल 14,000 इश्यू कर दिया, अभी भी 2,000 यूनिट देना बाकी है। वो 2,000 यूनिट हम किस में से देंगे? ये 6,000 वाले में से देंगे। तो अब इश्यू में देखो 16th को आपको लिखना है, सबसे पहले आप वो 10,000 यूनिट सप्लाई कर दोगे, फर्स्ट आया मटेरियल फर्स्ट सप्लाई कर दो। बाद में 16,000 देना है, पर हमारे पास अभी सेकंड जो सप्लाई है वो 4,000 का, तो वो 4,000 फिर सप्लाई करो। हमें टोटल 16 देना था, अभी भी 2,000 देना बाकी है, तो वो 6,000 वाला जो मटेरियल है उसमें से 2,000 देंगे। प्राइस की बात करें तो हमारे पास जो 10,000 यूनिट्स थे उसकी प्राइस 10 रुपीज थी, जो 4,000 वाला यूनिट था उसकी प्राइस 12.50 थी, तो 12.50 लगाएंगे, और जो
बाकी का 2,000 सप्लाई किया हमने, वही 6,000 वाले इश्यू में से रिसीप में से सप्लाई किया, तो 6,000 वाले का तो 15 प्राइस था, तो ये 2,000 जो सप्लाई करोगे वो 15 वाली प्राइस से सप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आप देखो, जब मटेरियल सप्लाई कर रहे हो तो तीनों में अलग अलग प्राइस लिख रहे हैं। पहला वाला मटेरियल पहले सप्लाई करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से आप इसका इश्यू का प्राइस देखोगे, तब हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास मटेरियल कौन सा था? 10,000, 4,000 एंड 6,000। तो सर, टोटल, 14 तारीख तक जो बैलेंस है वो गलत हाँ, 14 तारीख का बैलेंस जरा टाइप करना रह गया है, वो सही है आपकी बात। जी। शायद कुछ वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो सही है आपकी बात। तो यहाँ पे हमने 20,000 में से 16,000 सप्लाई कर दिए हैं, तो अब हमारे पास 4,000 का बैलेंस बचेगा। कौन सा वाला बचेगा? जो लेटेस्ट परचेस किया था 15 रुपीज से, वो 15 वाला। तो 60,000 का हमारे पास बैलेंस बचा है। चलो, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में इतनी चीजें? हाँ सर, ओके, तो बहुत सिंपल है, एक बार ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। अब 14 के बाद 16 डेट हमने दे दिया, अब हमने 24 को फिर से 8,000 ब्रशेस खरीदा है 16,150 से, तो रिसिप्ट में लिख देंगे इसको। 24 को रिसिप्ट में लिख दिया हमने 8,000, 16,150, तो 1,32,000 का ये हमारा ब्रशेस का सप्लाई होगा। अब बैलेंस देखते हैं, तो पुराना वाला बचा है 4,000। ये पुराना वाला जो बचा है, 6 में से 2,000 तो दे दिया, तो 4,000 बचा है, और ये 8,000। तो ये दो अलग अलग मटेरियल का बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है। अब देखते हैं कौन सा ऑर्डर मिला है हमको। तो फिर से हमको ऑर्डर मिला है 20 अक्टूबर को 10,000 ब्रशेस सप्लाई करना है। तो 10,000 ब्रशेस सप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो कौन सा वाला सप्लाई कर देंगे? जो पुराना है 4,000 वाला, वो सप्लाई कर देंगे। तो 4,000 पहले सप्लाई कर दिया, और इस 8,000 में से खाली 6,000 सप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑर्डर खाली 10,000 का मिला है। तो आउट ऑफ 8,000 वी विल सप्लाई 6,000। अच्छा, दोनों की प्राइस अलग अलग आएगा, क्योंकि हमारे पास जो मटेरियल पड़ा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का है। इसको सप्लाई कर देने के बाद अब आपके पास बचेगा क्या? तो जो लेटेस्ट मटेरियल था 8,000 वाला, उसमें से 6,000 सप्लाई कर दिए, तो बाकी बचेगा 2,000 रुपया लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से। ओके, तो अब अगर आपको इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर आप सही से समझे हो तो मुझे इतना जवाब दो, फैक्ट्री में कितना यूनिट्स पड़ा होगा? स्टोर डिपार्टमेंट में कितना यूनिट पड़ा होगा अभी भी स्टॉक में? 2,000 सर, वेरी गुड, 2,000। और उसकी कॉस्ट क्या होगी? 1,650 रुपया जो लास्ट मटेरियल घुसा है। हाँ, 8,000 नहीं मटेरियल में 6,000 इशू हुआ है 28 तारीख नहीं को। 31 तारीख को 2,000 मटेरियल पड़ा है 1,650 रुपया के रेट के। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन। हमारे जो स्टोर डिपार्टमेंट में जो 2,000 यूनिट पड़ा है, उसकी कॉस्ट क्या है? 1,650 रुपया एक पीस का। वेरी गुड, तो 33,000 रुपीज कॉस्ट है। हाँ वही वही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ गुड, तो अब मान लो इस डेट को अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो मटेरियल का स्टॉक पड़ी है, उसकी कॉस्ट लिखनी पड़ेगी फाइनल अकाउंट में, क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं क्लिक क्रेडिट साइड, फिर बैलेंस शीट में असेट साइड बताया स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां पे 33,000 दिखाया जाएगा। आ रहा है समझ में? आया ओके आया ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? तो हमने अभी डिसएडवांटेज में देखा था कि जब आपने डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस से जब मटेरियल खरीदा है, तो इश्यू के टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे 10,000 यूनिट सप्लाई किया, तो 10 रुपया लगाना है, बाकी के 4,000 का 12.50 लगाना है, बाकी के 2,000 का 15 लगाना है, तो एक क्लेरिकल वर्क बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे। अगर आपने लार्ज क्वांटिटी में एक बार ही खरीद लिया है और बाद में सप्लाई करते हो, तो ये बहुत सिंपल मेथड है। बट व्हेन यू आर बाइंग एट डिफरेंट डिफरेंट डेट्स एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, देन दिस इंक्रीज इज द क्लेरिकल वर्क। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो मेथड है, हाँ ये जो मेथड है ना, ये मेथड मान लीजिए
कोई डायरेक्ट मटेरियल पे डाल रहा है तो उसके लिए ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कम रहेगा। लेकिन अगर सेलिंग कर रहा है तो लेटेस्ट रेट पे अगर बेचेगा तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ना। हाँ, तो इसीलिए एक दूसरी मेथड आई जिसका नाम है लिफो मेथड, जो हम इसके बाद देखने वाले हैं। आपकी बात सही है। तो इस मेथड का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। देखो, एडवांटेज की बात करूं, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो पुराना मटेरियल जो कम प्राइस में खरीदा है वो पहले सप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 10,000 यूनिट पड़े थे पुराने 10 रुपये वाले, तो वो सप्लाई कर दिए, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी कम आएगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतना कम आएगा, मटेरियल का उतना कॉस्ट इसलिए कम आएगा क्योंकि हमारे पास 10 रुपये वाला मटेरियल पड़ा था। अब जब कॉस्ट कम आता है तो सीधा डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पे होता है कि हमारी कॉस्ट कम आई है तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा होगा, एक बात है। पर इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इस मेथड में हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक, वो लेटेस्ट प्राइस वाला होगा, जिसकी प्राइस ज्यादा होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कम प्राइस वाला मटेरियल पहले सप्लाई करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हम डिसाइड होगी, और जब प्रोडक्ट की प्राइस कम आएगी तो हम कंपटीशन में फेस कर पाएंगे, कुछ कुछ समय तक कंपटीशन फेस कर पाएंगे। पर इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको लार्ज क्वांटिटी में लो प्राइस में मटेरियल खरीदा है, तभी आप ये कर पाओगे। बाकी ये 5, 10, 15 यूनिट से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। चलो, अगर फिफो आप समझ चुके हो तब जो दूसरा मेथड है उसको समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड टोटली रिवर्स ऑफ फिफो। जो लेटेस्ट प्राइस से खरीदा है उसको पहले इश्यू करेंगे, तो हमारे पास जो माल पड़ा रहेगा वो पुराना पड़ा रहेगा। तो इन दिस मेथड व्हाट वी डू, वी सप्लाई मटेरियल विच इज परचेस लेटेस्ट, लास्ट मटेरियल परचेस इज सप्लाइड फर्स्ट, दैट इज न्यू मटेरियल इज सप्लाइड फर्स्ट। तो इससे होगा क्या, हमारे जो स्टोर डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो स्टोर डिपार्टमेंट में वही मटेरियल पड़ा होगा जो हमने पुराना खरीदा है, क्योंकि नया खरीदा तो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। तो लिफो मेथड समझते हैं, अंडर दिस मेथड मोस्ट रिसेंट परचेस विल बी फर्स्ट टू बी इश्यूड। जो लेटेस्ट खरीदा है उसको पहले सप्लाई करेंगे। द इश्यूज आर प्राइज आउट एट द मोस्ट रिसेंट बैच रिसीव्ड एंड कंटिन्यू टू बी चार्ज अंटिल अ न्यू बैच रिसीव्ड इज अराइव्ड इनटू स्टॉक। तो जब तक नया मटेरियल नहीं खरीदते हैं तब तक जो लेटेस्ट में मटेरियल खरीदा है वही सप्लाई करते रहेंगे। अगर आपके पास क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है फैक्ट्री में तो सारा मटेरियल यूज हो जाएगा, पर अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर मान लो मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम है रही है, तो इससे होगा क्या, आप लेटेस्ट वाला ही सप्लाई करोगे और स्टॉक में आपके पास पुराना मटेरियल पड़ा रहेगा जो पुराना होता जाएगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। बट इफ योर फैक्ट्री इज इन नीड ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल तो सारा मटेरियल यूज हो जाएगा। पर इतना याद रखना, हियर वी हैव टू सप्लाई द मटेरियल विच इज परचेस्ड लेटेस्ट। ओके, तो इन द मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल यूजिंग द परचेस प्राइस ऑफ द लेटेस्ट यूनिट इन द स्टॉक। एडवांटेज देख लेते हैं इसके, दोनों के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। स्टॉक इश्यूड एट मोर रिसेंट प्राइस रिप्रेजेंट द करंट मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो आपकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आएगी। मैं इसको एडवांटेज नहीं मानता हूं, अब इन्होंने दिया है तो कोई बात नहीं है, करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आपकी कॉस्ट आएगी, तो आप फिर आप प्राइस भी उस तरीके से चार्ज करोगे, मतलब आप यहाँ पे लेस प्राइस चार्ज नहीं कर पाओगे, तो एक डिसएडवांटेज भी है। बट नो डाउट दे हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दैट अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी एट द करंट मार्केट प्राइस। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड इन इजी, ये तो सब में लिख ही देना है क्योंकि सारी मेथड सिंपल है। प्रोडक्शन कॉस्ट विल टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक। हाँ, ये सही है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट रियलिस्टिक आएगा बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। फर्स्ट फिफो मेथड में क्या था, फिफो मेथड में हम पुरानी प्राइस से हम स्टॉक सप्लाई करते थे, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती थी
वो रियलिस्टिक नहीं आती थी, दैट वॉज द बेस्ड ऑन द ओल्ड परचेज प्राइस। तो ये बात सही है। इन द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस, मतलब जब इन्फ्लेशन हो रहा है, तो द प्राइजिंग ऑफ इश्यू विल बी एट मोर रिसेंट करंट मार्केट प्राइस। तो इन्फ्लेशन में आप लेटेस्ट प्राइस से सप्लाई कर पाओगे और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम नहीं दिखेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेटेस्ट मार्केट प्राइस के हिसाब से दिखेगी। नो डाउट एनी हाउ दे हैव ट्राइड टू राइट द एडवांटेज, बट द सेम लाइन हैज डिसएडवांटेज ऑल्सो। द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी अंडर दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब बनाते हो तो ये मेथड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल अकाउंट में हमें क्लोजिंग स्टॉक बताना होता है, और क्लोजिंग स्टॉक इस मेथड में कौन सी प्राइस से आएगा? ओल्ड प्राइस से आएगा, क्योंकि नया हुआ तो हमने सप्लाई कर दिया होगा। जो भी नया मटेरियल खरीदा है, नया स्टॉक आया है, वो तो सप्लाई कर दिया होगा। तो हमारे स्टॉक में पड़ा कौन सा होगा? पुराना वाला मटेरियल पड़ा होगा, जिसकी ओल्ड कॉस्ट हम बताएंगे हमारे फाइनल अकाउंट में, क्लोजिंग स्टॉक में। तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आप कम बताते हो कॉस्ट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कम बताओगे, तो इसकी सीधी इफेक्ट प्रॉफिट पे भी होगी। मोर देन वन प्राइस में हैव टू बी अडॉप्टेड, ये वही पॉइंट है कि अलग अलग डेट को परचेस किया है और आपको जब सप्लाई करना होता है तो अलग अलग रेट आपको लगाना पड़ेगा। क्लेरिकल वर्क इससे बढ़ जाएगा। ये सारे कुछ डिसएडवांटेज आप सब जगह पे लिख सकते हो। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी अंडर दिस मेथड विल नॉट रिप्रेजेंट द करंट मार्केट प्राइस। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से नहीं होगा, वो ओल्ड प्राइस के हिसाब से होगा। अब इसका एक एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। सी द एक्सरसाइज गिवन। सो द स्टोर लेजर एक और एंट्री। मेजर डिसएडवांटेज होगा साहब, हाँ एक और बोलिए मेजर डिसएडवांटेज होगा, जो बोलिए। हाँ मटेरियल मान लीजिए कि जल्दी खराब होने वाला है, वो मटेरियल पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। हाँ तो देखो सीमेंट ये हो तो सकता है, पेंट हो सकता है जिसका डेट ऑफ एक्सपायरी है, मेडिसिन हो सकता है। तो मेडिसिन में आपके हिसाब से कौन सी मेथड चलनी चाहिए, लिपो या फिफो? हाँ, उसमें लिपो फीफो चलना चाहिए, वेरी फर्स्ट कम गुड, फर्स्ट फिफो आउट। वो चलना मटेरियल चाहिए। पे ये होना चाहिए कि कौन सा चलेगा। जैसे हम हाँ लोग क्या करता है, स्टील में फीफो चलाता है, हम लोग फीफो वर्ड नहीं जानता लेकिन सिस्टम यही चलता है। अच्छा बाकी पेंट हो गया और आपका ये सीमेंट हो गया, ये सब में हम लोग लिपो यूज करते हैं, हाँ, क्योंकि लेटेस्ट फीफो यूज करते प्राइस हैं। है, लेटेस्ट प्राइस हाँ लेना हाँ हाँ पड़ेगा इसलिए। अब जैसे कैसे कि कोई है वेजिटेबल सप्लायर है या तो फ्रूट सप्लायर है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रूट का लार्ज क्वांटिटी परचेस करते हैं, जैसे कि बनाना लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं छोटे छोटे ट्रेडर्स को, तो उनके लिए तो फिर फिफो मेथड ही चलेगा, क्योंकि अगर पुराना वाला बनाना पड़ा रहेगा तो उनको ही लॉस होगा। तो कौन सी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको मेथड सिलेक्ट करना है। ओके, सो हियर यू कैन सी द लिपो मेथड वी हैव आस्क। बैलेंस दिया हुआ है आपको, 300 यूनिट है, 600 के प्राइस से 600 रुपीज पर यूनिट प्राइस है। परचेस किया है वो हम रिसिप्ट में लिखेंगे सारा। इश्यू किया है उसकी प्राइस हमें डिसाइड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग परचेस दिया है अलग अलग डेट पे, और इश्यू मतलब सप्लाई किया, जिसकी प्राइस हमें डिसाइड करनी है एज पर द लिपो मेथड, लास्ट वाला फर्स्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, वही सारी चीजें। पहले तो स्टॉक लेजर बना देना है आपको। डेट रिसिप्ट 3 कॉलम उसमें ले लेने हैं, इश्यू 3 कॉलम्स ले लेना है, और बैलेंस, और ऊपर टाइटल दे देना है लिफो मेथड है। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है 300 यूनिट 600 के रेट से, तो 1 अप्रैल को ये लिख देना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ऑन द अप्रैल 1, बैलेंस लिख दे दे 300 यूनिट। ओके अच्छा, टोटल वैल्यू दिया है 600, तो पर यूनिट 2 रुपीज हो गया, सॉरी माई मिस्टेक। अच्छा ये वैल्यू दिया है, वैल्यू, सॉरी आई फॉरगॉट टू रीड दिस वैल्यू। तो 300 यूनिट 600 रुपये का है, मतलब 1 यूनिट का 2 रुपया हो गया, 300 × 2 तो 600, तो 300 यूनिट 2 रुपीज रेट, तो टोटल 600 का हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है। अब परचेस क्या किया है, तो क्वेश्चन में हमको बोला है 2 अप्रैल को 200 यूनिट परचेस किए 440 में। तो अब यहाँ पे पर यूनिट रेट डिसाइड करना पड़ेगा, 440 / 200 कर दोगे आप तो 2.20 आएगा, 440 / 200 तो आपका आ जाएगा 2.20 पर यूनिट। तो वो आप रिसिप्ट में बता देते हो, रिसिप्ट में आप लिख देंगे उसको 200 यूनिट 2.20 के हिसाब से टोटल 4.40 रुपया। अच्छा ये पर यूनिट फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हम उसी के हिसाब से सप्लाई करेंगे। तो अब हमारा बैलेंस देखते हैं, तो 300 यूनिट 2 रुपीज वाला है, 200 यूनिट 2.20 वाला है। अब हमें ऑर्डर क्या मिलता है, तो 4 अप्रैल को हमें इश्यू करना है 150 यूनिट, जिसका प्राइस हमें डिसाइड करना है एज पर द लिफो मेथड। तो अब 150 यूनिट की प्राइस डिसाइड करना है, तो डायरेक्टली आप 150 नहीं लिख सकते, आपको देखना है कि 150 का स्टॉक एक स्टॉक में पड़ा है। तो हाँ पड़ा है ना, हमारे पास 1 अप्रैल का 300 यूनिट है, और फिर दूसरा 200 यूनिट लेटेस्ट वाला है, और हमें खाली 150 ही सप्लाई करना है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। लेटेस्ट वाला प्राइस लगा दो, लेटेस्ट वाली प्राइस है 2.20, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आउट ऑफ 200 वी विल सप्लाई 150। वो 300 वाले में से सप्लाई नहीं कर रहे हम, वी आर सप्लाइंग आउट ऑफ 200। सो व्हाट विल बी द बैलेंस नाउ, पुराना स्टॉक तो पड़ा ही रहेगा 300 वाला, और जो 200 यूनिट थे उसमें से 150 सप्लाई कर दिए, तो उसमें अभी 50 यूनिट पड़े रह गए 2.20 के हिसाब से। चलो इतना समझ में आ रहा है आपको, ये 4 अप्रैल 4 तक। अप टू अप्रैल 4, एनी डाउट? ओके नो सर। फिर हमने 6 अप्रैल को 200 यूनिट खरीदा है 460 के रेट से। 6 अप्रैल को हमने 200 यूनिट खरीदा 460 के रेट से, तो यहाँ पे हमारा रेट बनेगा 2.30, 460 / 200 तो 2.30, 10 10 पैसा बढ़ रहा है, तो 200 यूनिट 2.30, 460। अब बैलेंस की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बैलेंस गलत लिख दिया है, थोड़ा बैलेंस हमने यहाँ पे गलत लिख दिया है। हियर यू कैन सी यू हैव 300 यूनिट ऑफ ओल्डर प्राइस, दैट इज 2.20, 200 यूनिट विच वी हैव परचेस लेटेस्ट एट 2.30, एंड दैट रिमेनिंग 50, दैट रिमेनिंग 50 इज ऑफ रिमेनिंग स्टॉक आउट ऑफ 200, जो यहाँ पे लिखना रह गया है। सो दिस इज अवर 6 अप्रैल। नाउ लेट अस सी व्हाट नेक्स्ट ऑर्डर वी हैव रिसीव्ड। तो यू कैन सी ऑन द 6 अप्रैल वी हैव परचेस 200 यूनिट। नाउ ऑन द 11 अप्रैल यू हैव इश्यूड 150 यूनिट्स। सो अगेन इन द अंडर द लिफो मेथड नाउ यू हैव टू डिसाइड एट वॉट प्राइस वी विल सप्लाई दिस 150 यूनिट्स। सो वंस अगेन, सो नाउ ऑन द 11 अप्रैल वी हैव टू सप्लाई 150 यूनिट्स, सो वी हैव टू फर्स्ट चेक वॉट इज द लास्ट क्वांटिटी वी परचेज। सो सी लास्ट क्वांटिटी वी हैव परचेज ऑन द 6 अप्रैल 200 यूनिट एट 2.30। सो अंडर द लिफो मेथड वॉट वी विल डू, whatever is purchased last that we will issue first. So we have purchased 200 unit. Out of that 200 unit, we will supply 150. Out of 200, 150 unit will be supplied and the rate will be 2.30. So
व्हाट विल बी द नाउ रिमेनिंग बैलेंस विथ अस? तो ऑलरेडी वी हैव 300 यूनिट एट 2 रुपीज, 50 विच वॉज लेफ्ट आफ्टर सप्लाई ऑन द 4th अप्रैल, एंड द 50 हियर लेफ्ट आउट आउट ऑफ दिस 200. टिल दिस इज देर एनी डाउट विथ यू? Okay, so here now we have balance of 300 unit जो पहले से है. फिर हमने जो 200 यूनिट परचेस किया था उसमें से 150 तो सप्लाई कर दिया, दूसरा 200 यूनिट खरीदा उसमें से 150 सप्लाई कर दिया, तो दोनों का 50-50 बचा है. ये 50-20 वाला बचा है और ये 50-30 वाला बचा है, तो ये हमारे पास बैलेंस पड़ा है. वंस अगेन वी रिसीव ऑर्डर ऑन द 19th, 200 यूनिट का हमको ऑर्डर मिला है. ये थोड़ा टिपिकल है, 200 यूनिट का हमको ऑर्डर मिला है, इसको थोड़ा ध्यान देना है. तो व्हाट वी विल डू, जो लेटेस्ट है वो पहले सप्लाई कर देंगे. अब आपको इस मेथड में याद रखना है कि जो नीचे आपने लिखा होगा ना बैलेंस में, वो वाला पहले सप्लाई करना है. फीफो में याद रखना है जो पहले लिखा है वो सप्लाई कर देना है. फर्स्ट लाइन में लिखा है वो पहले सप्लाई कर देना है. लिफो में लास्ट वाला है पहले सप्लाई करेंगे. तो 200 का ऑर्डर आया है तो पहले तो 50 यूनिट 230 वाले सप्लाई कर देंगे, फिर 50 यूनिट 220 वाले सप्लाई कर देंगे, और आउट ऑफ दिस 300 खाली 100 लेंगे हम. क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डर तो 200 का मिला है, तो 300 में से 100 यहाँ पे ले लिए, तो अब हमारे पास स्टॉक बचेगा खाली. आउट ऑफ 300 100 इज सप्लाइड, सो 200 यहाँ पे बाकी बचेगा. तो ये हो गया आपका लिफो मेथड. अगेन 22nd को उन्होंने 200 यूनिट खरीदा है 480 के हिसाब से, तो 2.40 रेट लग रहा है. तो अब उनका बैलेंस में हो गया पुराना वाला 200 यूनिट एंड नया वाला 200 यूनिट, पर दोनों का प्राइस अलग अलग है. और 27 को फिर से ऑर्डर आया है उनको, 27 तारीख को उनको इश्यू करना पड़ा है 250 यूनिट्स. तो उस 250 का बाइफर्केशन देख लो, लेटेस्ट वाला पहले सप्लाई करेंगे, तो लेटेस्ट वाला तो 240 के हिसाब से है, तो वो पहले सप्लाई कर दिया. बाद में 50 यूनिट, क्योंकि हमें ऑर्डर मिला है 250 का, तो 250 का जो ऑर्डर मिला है तो उसमें से 200 यूनिट लेटेस्ट वाला सप्लाई कर दिया, ये वाला सप्लाई कर दिया. बाकी का 50 यूनिट हम जो बचा है हमारे पास स्टॉक, वो 200 उसका सप्लाई करेंगे 2 रुपीज वाला. तो नाउ व्हाट वी हैव बैलेंस आउट ऑफ टोटल 200, 50 सप्लाइड, सो यहाँ पे खाली 150 बैलेंस बचेगा. सो दिस इज अ लिफो मेथड. अगर आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. यहाँ पे खाली एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है जो मैंने आपको बता दी है. यहाँ पे 50 यूनिट लिखना रह गया है 6th वाले लाइन में. एनी डाउट इन द लिफो मेथड? नो सर. So today we understood two methods of pricing the material. First one is the FIFO method, second is the LIFO method. Now it is not like that these are the only two methods of pricing the material issue. There are so many other methods also. Third method is the average price method. In that what we do, we take the average of the previous price and current price. पहले हमने जो material खरीदा था और अभी जो मटेरियल खरीदा है, वो दोनों की प्राइस का एवरेज निकालेगा और उस एवरेज प्राइस से सप्लाई करेगा. तो दैट मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस, सो आई एम नॉट टेकिंग. बस दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और वी कैन से इन्वेंटरी इश्यू प्राइस, दैट एट व्हाट प्राइस इन्वेंटरी विल बी सप्लाइड. लेट अस टेक वन मोर एक्सरसाइज सो दैट वी
अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ वेरी क्लियर वे। वन मोर एक्सरसाइज आई एम टेकिंग, लिपो मेथड ही दिया है। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल सी एक्स ई, मटेरियल का नाम है सी एक्स ई, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए लिया है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। नाउ सी हियर, क्वांटिटी इज गिवन, इंस्टेड ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज गिवन इन किलोग्राम, रेट पर केजी ऑलरेडी गिवन। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था, तो हम वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते थे तो रेट पर यूनिट या तो पर केजी मिल जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेस दिया है तो हम इसको रिसिप्ट में लिखेंगे, इश्यू इश्यू वाले में लिखेंगे। तीन कॉलम यहाँ पे भी बनाने हैं आपको, क्वांटिटी रेट एंड वैल्यू। रिटर्न टू द सप्लायर, ये एक नया पॉइंट है यहाँ पे, 15 को हमने माल सप्लायर को वापस कर दिया है, जो 15 अप्रैल का खरीदा था उसमें से 300 यूनिट वापस कर दिए हैं, एक नया पॉइंट आया है। इश्यू किया है, परचेस किया है। अच्छा, क्वेश्चन के बिगिनिंग में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है यहाँ पे कि ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 1000 kg एट 15 रुपीज पर kg। और एक नया पॉइंट दिया है कि 30 अप्रैल 2019 को ऐसा देखा गया दैट 50 kg ऑफ मटेरियल ऑफ सीएक्सी वाज फ्रॉडनरली मिस अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टोर असिस्टेंट एंड नेवर रिकवर्ड बाय द कंपनी। तो 50 यूनिट चोरी हो गया है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दो नए पॉइंट दिए, एक तो रिटर्न किया हमने 300 यूनिट 300 kg, और दूसरा 50 kg का मिस अप्रोप्रिएशन हो गया। तो ये दो नए पॉइंट यहाँ पे डाले, कुछ नहीं है, डेट वाइज हमें जाना है, जो मेथड फॉलो करते हैं वही हम करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टॉक लेजर बना दिए, स्टॉक लेजर बना देंगे, जिसमें सबसे पहले हम बता देंगे 1000 kg 15 वाला। सो स्टोर लेजर अकाउंट लिफो मेथड यूज कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको मेथड नहीं बताया हो तो आप कोई भी मेथड से करोगे। तो 1 अप्रैल 1000 यूनिट एट 15, तो 15,000 यूनिट बता दिया है। फिर क्वेश्चन में देखते हैं तो 4 अप्रैल को हमने खरीदा है 3000 यूनिट 16 के हिसाब से, तो वो बता देंगे रिसिप्ट में। 4 अप्रैल को 3000 यूनिट 16 के हिसाब से खरीदा तो 48,000 रुपीज। तो अब हमारा बैलेंस हो गया 1000 पुराना वाला, 3000 नया वाला, अलग अलग रेट है दोनों के। अब 8 अप्रैल को हम 1000 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं, इसकी प्राइस डिसाइड करनी है लिफो मेथड से। तो सिंपल है, जो लेटेस्ट खरीदा वह प्राइस लगाएंगे। तो देखो 8 अप्रैल को हमने 1000 यूनिट इश्यू किया है, और रेट कौन सा लगाएंगे, लेटेस्ट वाला, जो लेटेस्ट खरीदा है 16 रुपीज लगाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, पुराना वाला तो बचेगा ही 1000, और आउट ऑफ दिस 3000 1000 इज सप्लाई, तो बाकी बचेगा 2000। 16 रुपये वाला मटेरियल 2000 kg बचा है, और 1000 पुराना वाला तो है हमारे पास, तो ये यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब आपको 15 अप्रैल के बारे में कुछ बताया कि 15 अप्रैल को फिर से आपने परचेस किया 1500 यूनिट 18 के हिसाब से, तो वो बता दिया है 15 अप्रैल को 1500 यूनिट 1500 kg 18 रुपीज के हिसाब से खरीदा 27,000। अब हमारे पास स्टॉक क्या बन जाएगा, तो पुराना वाला तो रहेगा 1000 एंड 2000, और ये 1500 यूनिट 18 के हिसाब से, तो ये पूरा हमारे पास बैलेंस पड़ा है 15 अप्रैल को। ओके, नाउ 20 अप्रैल को क्या हुआ है, हमने इश्यू किया 1200 kg हमने सप्लाई किया। अब इसकी प्राइस इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, 1200 यूनिट है तो देखना है कि लेटेस्ट वाला कितना पड़ा है, 1200 यूनिट आपने सप्लाई करना है। तो हाँ, लेटेस्ट वाला तो हमारे पास 1500 यूनिट है, आउट ऑफ 1500 यूनिट हमको खाली 1200 देना है, तो पूरा का पूरा वही दे देंगे। अगर कम होता परचेस तो दो तीन कैलकुलेशन बढ़ जाते, यहाँ सिंपल हो गया। तो आउट ऑफ 1500 1200 सप्लाइड, 18 के हिसाब से सप्लाई करेंगे, क्योंकि लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब बैलेंस में क्या बचेगा, पुराना वाला मटेरियल तो बचेगा ही 1000 2000,
और आउट ऑफ 1500 1200 इज सप्लाई, तो अभी 300 यूनिट और बचा 18 के हिसाब से, तो ये आपका बैलेंस बचा हुआ है। ओके अब 25 अप्रैल वाला जो नया पॉइंट है यहां समझने वाला, कि हमने 15 अप्रैल को जो मटेरियल खरीदा था उसमें से 300 यूनिट वापस कर दे दी, हमने जहां से खरीदे वहां पे वापस कर दिया, तो कोई बात नहीं है, वापस कर दिया है, जिस रेट से खरीदा है उसी रेट से वापस कर दिया। तो देखो 1500 में से 1200 हमने सेल कर दिया है, 300 बचा था, वो 300 का 300 हमने 18 के हिसाब से वापस कर दिया, तो अब हमारे स्टॉक में वो कम हो जाएगा, कोई नई चीज बात नहीं है, सप्लायर को वापस कर दिया। जब आप सप्लायर को रिटर्न करते हो गुड्स, तो आपको वही प्राइस लेनी है जो आप जिस प्राइस से आपने खरीदा था, यहाँ पे फिर वो मेथड अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि हमने जिस प्राइस से खरीदा उसी प्राइस से वापस कर देंगे। अच्छा 26 को क्या हुआ है, तो इश्यू किया है 1000, तो देखना है हमारे पास कौन सा मटेरियल पड़ा है, तो हमारे पास मटेरियल पड़ा है 1000 and 2025 को, उसमें से लेटेस्ट वाला 16 रुपये वाला है, वो सप्लाई कर देंगे 1000 यूनिट, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, पुराना 15 रुपये वाला तो बचेगा ही, और ये 2000 में से 1000 यहाँ सप्लाई कर दिया, तो बाकी का 1000 यहाँ बैलेंस बचेगा 16000। 28 अप्रैल को परचेस किया है 500 यूनिट 17 के हिसाब से, रिसिप्ट में लिख देंगे 28 अप्रैल को हमने परचेस किया है 500 यूनिट 17 के हिसाब से। ओके तो यहाँ पे आपका बैलेंस क्या होगा, अभी बैलेंस में आपका ये ऊपर वाला तो रहेगा, यहाँ थोड़ा टाइप नहीं किया है मैंने, ये ऊपर वाला तो रहेगा 15000 16000 वाला बैलेंस, और ये दूसरा एक ये आ जाएगा 8500 का, तो यहाँ पे तीन चीजें आ जाएगी, पुराना वाला दो जो बचा है वो, और ये 8500। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 30 अप्रैल को 50 kg का जो मटेरियल है वो चोरी हो गया, ओके और वो कभी वापस नहीं आया।